पास एक 26 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आ रहे हैं, को बैक पेन है, लोअर बैक पेन, स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्टिफनेस जो 15 टू 20 मिनट्स रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर आस्था, इस तरह के पेशेंट जिनको लोअर बैक पेन की कंप्लेन, नंबर वन क्वेश्चन कि क्या हमारी डायग्नोसिस ठीक है, एक्सरे कराना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक 26 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आ रहे हैं, ऑफिस गोअर हैं, उनके फिजियो के सेशंस चल रहे हैं। उनका कंप्लेन ये था कि उनको बैक पेन है, लोअर बैक पेन, स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्टिफनेस जो 15 टू 20 मिनट्स रहती हैं, पेन है सिटिंग टू स्टैंडिंग में, प्रोलॉन्ग सिटिंग में, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में। अब क्योंकि उनके इतने सेशंस हो गए तो ये सारी प्रॉब्लम जैसे कि सिटिंग टू स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग वाला जो पेन है वो बेटर हो गया है, लेकिन जो उनका मॉर्निंग का 15 टू 20 मिनट वाला स्टिफनेस है वो अभी भी बेटर नहीं हुआ है, वो अभी वैसा का वैसा ही है। हमने मोडालिटीज़ की हैं, IFT, अल्ट्रासाउंड, मसल रिलीजेस किए हैं, अभी वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, घर पे भी करते हैं, हम भी एक्सरसाइज उनको करवा रहे हैं, बट स्टिल उनकी ये कंप्लेन है कि 15 टू 20 मिनट्स का जो स्टिफनेस है वो अभी भी नहीं जा रहा है उनका। एक्सरे हमने करवाया था इनिशियली तो मोर और लेस बेटर था, लेकिन अब क्या हमें फॉलोअप एक्सरे करवाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर आस्था, इस तरह के पेशेंट जिनको लोअर बैक पेन की कंप्लेन है, यंग पेशेंट्स, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि प्रॉब्लम मैकेनिकल नेचर की होती है, मतलब खराब पोस्चर की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या बैड सिटिंग पोस्चर, वीक मसल्स की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और इन्हीं सब को हम मैकेनिकल लोअर बैक पेन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब यंग लोगों में ये पेन 1 या 1.5 मंथ से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा हो, और जैसा डॉक्टर आस्था ने हमसे पूछा था कि मॉर्निंग स्टिफनेस की कंप्लेन परसिस्टिंग है, इन दीज केसेस हमको सोचना शुरू करना है, नंबर वन क्वेश्चन कि क्या हमारी डायग्नोसिस ठीक है, डू वी नीड टू रीविजिट आर डायग्नोसिस। एक्सरे जैसा उन्होंने बताया था कि एक्सरे मोर और लेस नॉर्मल था, तो क्या हमें कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है? हमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्हें हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, कि अगर लोअर बैक में ये सब भी हो रहा है तो हमें आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। उनमें से नंबर वन, अगर लोअर बैक पेन 1.5 महीने या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का है तो हमें ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर टू, अगर पेशेंट को इसके साथ साथ फीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, एपेटाइट लॉस हो रही है, तो भी हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत है। नंबर थ्री, अगर पेशेंट को मॉर्निंग में आधे घंटे से ज़्यादा स्टिफनेस फील हो रही है, मॉर्निंग में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है स्टिफनेस कम होती जाती है, तब भी हमें कोई और डायग्नोसिस सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई इंजरी की हिस्ट्री है, फॉल की हिस्ट्री है, या ओल्डर पेशेंट में कोई कैंसर की हिस्ट्री है, तो इन केसेस में भी हमने अपनी डायग्नोसिस को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे कि क्या इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। अगर एक्सरे नॉर्मल है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में अर्ली स्टेजेस में नॉर्मल ही मिलेगा, बट एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है, तो हमें MRI करके ये देखना चाहिए कि वेट लॉस का कारण कोई ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन तो नहीं है, कोई कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं है जो रीढ़ की हड्डी में हो रही है, एंड दैट इज़ वाई MRI इज सो इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की कंडीशन होती है, मोस्ट कॉमनली एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उन केसेस में जो स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि HLA-B27, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्नोसिस बनाने के लिए कि ये कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक बार ये डायग्नोसिस चेंज हो जाती है तो ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है। अगर ट्यूबरक्लोसिस है ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, अगर पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई कैंसर है जो बॉडी में कहीं और है और बोन तक पहुँच गया, उन केसेस में हमारा करने वाला ट्रीटमेंट शायद इफेक्टिव ना रहे और पेशेंट को कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत, कोई और केयर की ज़रूरत, सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर बैक पेन के पेशेंट जब आपके पास आए और उनकी ड्यूरेशन 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा हो रही हो और पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो ट्रीटमेंट से जैसा आप चाहते हैं, तो उन केसेस में इन फर्दर इन्वेस्टिगेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
ओके डॉक्टर योगल, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो एज अ फिजियो मैं और क्या क्या ऑब्जर्व कर सकती हूँ और क्या क्या डायग्नोसिस कर सकती हूँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एंड मैं पेशेंट को और क्या बोल सकती हूँ कि वो सेल्फ ऑब्जर्व कर पाएँ कि जब वो मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहीं कुछ और चीज़ें तो उनको फील नहीं हो रही है जो वो शायद इग्नोर कर रहे हों, तो आप कुछ बताएंगे? राइट, इंटरेस्टिंग है ये चीज़ डॉक्टर आस्था। इन पेशेंट्स में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करनी है, इन यंग पेशेंट्स में अगर लोअर बैक पर पेन का रीज़न कुछ और है तो आप देखो कि उनके सैक्रोइलिक जॉइंट पे टेंडरनेस तो नहीं है, ये आप ऑब्जर्व करो और उस टेंडरनेस को पैल्पेट करने की कोशिश करिए। ऑल्सो ट्राई टू सी कि उनका लोअर बैक में मूवमेंट्स कैसा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसा है, लैटरल मूवमेंट्स कैसे हैं। आप देखोगे कि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं लाइक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उन केसेस में ये जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। उसके बाद आप जो स्पाइन है उसको डीप पैल्पेशन करके देखिए एट एवरी पॉइंट ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, एंड यू विल ऑब्जर्व कि अगर आपको कोई एक पॉइंट ऑफ टेंडरनेस मिलता है तो वो इन्फेक्शन के केसेस में हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के केस में आपको पिन पॉइंट टेंडरनेस मिलेगी और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इसके अलावा घर पे आप पेशेंट को ये बता सकते हैं कि वो डेली ऑब्जर्व करें कि उनकी जो मॉर्निंग स्टिफनेस का ड्यूरेशन है वो है कितना एग्जैक्टली, और वो ड्यूरेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है क्या। ठीक है, इसके अलावा कि अगर पेशेंट को भूख पहले ज़्यादा लगती थी अब कम लगने लगी है, तो वो स्पेसिफिक चीज़ें हम उसको बोलेंगे ऑब्जर्व करने के लिए। वो पहले ज़मीन पे पालती लगा के बैठ जाता था, अब नहीं बैठ पाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको पेशेंट से लेनी है और फिर उसी के बेसिस पे अपनी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करनी है।